एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रांची लव जिहाद मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। रांची की रहने वाली पीड़ित मॉडल मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जाकर अपना बयान दर्ज कराएंगी। बजरंग दल की तरफ से आरोपी तनवीर खान के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत लिखित शिकायत दी गई है। ओशिवारा पुलिस की एक टीम कल बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित के घर पहुंची थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो अपना बयान कल दर्ज नहीं करवा पाई थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल तबीयत खराब होने की वजह से पीड़ित का बयान दर्ज नहीं हो पाया था। ऐसे में ये बड़ी जानकारी है कि अब थाने पहुंचकर बयान दर्ज कराएगी पीड़ित मॉडल। ये बड़ी जानकारी है रांची लव जिहाद मामले में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिवाकर हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, कल पीड़िता अपना बयान दर्ज नहीं करा पाई थी, आज पहुंचेगी, कितने बजे बयान दर्ज किया जाएगा? देखिए, जो पुलिस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 बजे के आसपास जो है मानवीराज जो मॉडल हैं उनको जो है ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचना है। उनके घर से जो ओशिवारा पुलिस स्टेशन की दूरी है करीब 300-400 मीटर ही है, तो ज्यादा वक्त भी वहां पहुंचने में नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह से कल बजरंग दल की तरफ से ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी गई थी तनवीर अख्तर के खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसके बाद ओशिवारा पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो इसी बिल्डिंग में, क्योंकि जो मानवी राज है वो इसी बिल्डिंग में रहती हैं और इसी बिल्डिंग में पहुंची थी शाम को, लेकिन उस वक्त उनकी तबीयत खराब होने की वजह से ओशिवारा की जो पुलिस टीम है वो जो है उनका बयान दर्ज नहीं कर पाई थी। इसलिए पुलिस ने कहा कि कल वो पुलिस स्टेशन आ जाए, वहां पर उनका बयान दर्ज किया जाएगा। तो ऐसे में आज अब से थोड़ी देर बाद मानवी राज जो है वो सीधा ओशिवारा पुलिस स्टेशन जाएंगी और वहां पर अपना बयान दर्ज कराएगी। दरअसल बयान जो दर्ज हो रहा है 24 घंटे में, ये डेवलपमेंट है कि 0 FIR के बाद मुंबई पुलिस ने झारखंड इसे शिफ्ट कर दिया था, और खबर ये भी मिल रही है कि झारखंड की पुलिस दिल्ली मुंबई रवाना हो चुकी है। अब ऐसे में कौन सी पुलिस पूछताछ करने वाली है, क्या संयुक्त रूप से पूछताछ होनी है, क्योंकि तनवीर भी वहीं मौजूद है? देखिए, जो रांची पुलिस से जो जानकारी मिल पाई है, रांची पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि तनवीर इस वक्त मुंबई में नहीं है, बल्कि वो बिहार के गया में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। हालांकि पुलिस उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तनवीर उनके हाथ अब तक लगा नहीं है। वैसे में रांची पुलिस का एक अधिकारी करीब 12:30 बजे के आसपास जो है मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और वहां से फिर सीधा वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाएगा। वर्सोवा पुलिस स्टेशन जहां पर मॉडल ने FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद 0 FIR दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने इसको रांची में ट्रांसफर कर दिया था। तो जो ऑफिसर पहुंचेगा वहां मुंबई पुलिस के ऑफिसर से बात करेगा, और साथ ही साथ क्योंकि मॉडल मानवी राज को भी वहीं पर बुलाया गया है बयान दर्ज करने के लिए, जो रांची का पुलिस ऑफिसर है उसने वहीं पर आने को उन्हें कहा है कि वहीं पर बयान दर्ज किया जाएगा, क्योंकि वो अकेला ऑफिसर है रांची पुलिस का जो यहां पर पहुंच रहा है। दूसरी अहम बात, क्योंकि 11 बजे का वक्त जो शिवरा में बयान दर्ज कराने का है, तो उसके बाद सीधा वहां से वर्सोवा की दूरी करीब 2-3 किलोमीटर है जो पुलिस स्टेशन है, तो वहां पर भी जाकर आज ही बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। और ऐसी जानकारी ये भी मिल रही है कि जो ऑफिसर आया है, कल जब DSP ने मानवी राज को फोन किया था उस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर मानवी राज जो है लाइव बैठी हुई थी, लाइव बात कर रही थी, अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी ज्यादा जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे। लेकिन इधर दिल्ली में साहिल की दरिंदगी देखने के बाद पूरे देश में लव जिहाद की शिकार लड़कियों का सब्र टूटने लगा, और अब वो थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत कर रही हैं। झारखंड से रांची से लेकर यूपी के कानपुर तक ऐसे अब तक 3 मामले सामने आए जिसमें हिंदू लड़कियां या तो लव जिहाद की शिकार हो चुकी हैं या फिर लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश की गई है उनको। रांची, कानपुर और हापुड़ से सामने आई लव जिहाद की 3 कहानियां सोचने पर मजबूर करने वाली है। साहिल ने हाथ में कलावा बांधकर फरेब किया, तनवीर ने यश बनकर मॉडल को धोखा दिया, अब्दुल वाहिद ने कल्लू बनकर एक महिला की जिंदगी बर्बाद की, वसीम ने रेप के बाद पीड़ित लड़की से जबरन शादी की। महीनों पहले दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से पूरा देश सहम उठा था, फिर कोई आफताब किसी श्रद्धा के साथ 36 टुकड़ों वाला लव जिहाद ना करने पाए, इसके लिए कई हिंदू संगठन एक्टिव हो गए, लेकिन लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में दरिंदे साहिल की हैवानियत सरेराह पूरे देश ने देखी, जिसके बाद उन लड़कियों का सब्र और हिम्मत भी जवाब दे गई जो लव जिहाद का शिकार हो चुकी थी।
लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले के खिलाफ थाने में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अब देश के कई शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। रांची, कानपुर और हापुड़ में लव जिहाद की शिकार लड़कियों ने जब सामने आकर आपबीती सुनाई तो पुलिस भी सन्न रह गई। देश में लव जिहाद का गंदा खेल किस तरह से खेला जा रहा है ये भी सामने आ गया। हम आपको लव जिहाद की तीनों कहानी एक एक कर सुनाएंगे, जिसके बाद आप भी अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली कहानी झारखंड की राजधानी रांची की है। बिहार के भागलपुर की रहने वाली एक लड़की ने मॉडलिंग की दुनिया में सुनहरे सपने देखे थे, जिसके लिए वो रांची पहुंची और एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। इस इंस्टीट्यूट का संचालक तनवीर था, जो खुद को यश बताता था। पीड़ित लड़की का आरोप है कि तनवीर ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब तनवीर ने पीड़ित लड़की पर धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव बनाने लगा, तब पीड़ित लड़की उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुंबई चली गई। लेकिन तनवीर ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और मुंबई पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। 2020 में मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई, जो रांची में है। वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है। वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि मैं, वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, ना ही उससे शादी करूंगी। खुद पर गंभीर आरोप लगने के बाद तनवीर भी सामने आया और उसने भी एक वीडियो जारी कर सफाई देने की कोशिश की। मैं उनको हरास कर रहा हूं, परेशान कर रहा हूं। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब तनवीर उसे कारोबारी धोखेधड़ी का रंग देना चाहता है, लेकिन शायद पुलिस भी उसकी चाल समझ चुकी है, इसीलिए पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और रांची पुलिस की एक टीम तनवीर की गिरफ्तारी के लिए मुंबई भी जा सकती है। लव जिहाद की दूसरी कहानी कानपुर की है। यूपी में योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना चुकी है, बावजूद इसके सूबे में लव जिहाद की साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां कानपुर में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहां हिंदू महिला ने एक मुस्लिम पर अपनी असली पहचान छिपाकर और शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी देखकर इस महिला का सब्र जवाब दे गया, जिसके बाद ये भी थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए केस दर्ज कर शख्स की गिरफ्तारी की बात कही है। अब वो अपने घर लेके जब जाता है तो उसको पता चलता है कि वो कल्लू और सोहनलाल न होकर के अब्दुल वाहिद सनाप अब्दुल अहमद अतरबाबाद जाजमऊ क्षेत्र का रहने वाला है और 2 सालों से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक लड़की 11 सालों तक लव जिहादियों के जुल्म सहती रही, आखिरकार 11 साल बाद उसका सब्र जवाब दे गया। साहिल की दरिंदगी देखकर उसे भी आभास हो गया कि अब वो चुप रही तो एक दिन उसका भी यही अंजाम होगा, लिहाजा उसने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उसने आरोप लगाया कि 11 साल पहले उसका अपहरण कर धर्म परिवर्तन किया गया था और जबरन निकाह करा दिया गया। पीड़ित लड़की ने आरोपी लड़के और उसके परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। पीड़ित महिला ने बताया कि उन दिनों वो दिल्ली में पढ़ती थी, जहां उसके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम लड़के वसीम ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई और अपने घर ले गया, जहां वसीम की मां ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और जब वो होश में आई तब तक उसके साथ रेप हो चुका था। उसके बाद वसीम और उसके घर वालों ने उसका ब्रेन वॉश कर ब्लैकमेल कर उसे निकाह के लिए राजी किया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। मेरे सामने वसीम, उसका भाई आरिफ, अजरुद्दीन, इमरान, उसके चाचा का लड़का शाहिद, ये सब खड़े हुए थे और उसकी मम्मी, वसीम की मम्मी। फिर ये मुझे डराने धमकाने लगे कि अब तुम्हें हमारे लड़के से शादी करनी पड़ेगी,
अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारी सारे में बदनामी करा देंगे, सबको ये सब बता देंगे, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होगी। और वसीम ने उसके भाइयों ने बोला कि और अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। महिला का आरोप है कि वसीम और उसके भाई उसके साथ दुष्कर्म करते थे और जब वो विरोध करती थी तो उसे श्रद्धा हत्याकांड की तरह हाल की स्थिति की जानकारी देने हेतु